हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अबाउट अ ग्लोइंग फेस, जिसके लिए मैंने कुछ कॉमन चीज लिया है जो कि घर पे कॉमनली यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो ये मैंने लिया है, ये हनी है, ये बेसन है, और ये शुगर है, और ये टोमेटो लिया है। टू टोमेटो लिया है मैंने। देखते हैं इसका दोनों का यूज़ हो पाता है या नहीं। मेरे को तो नहीं लगता कि इतना यूज़ हो पाएगा। ये बाउल है, एम्प्टी बाउल है। एक स्पून लिया है, एक नाइफ लिया है। फ्रेंड्स, तो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आप अपना फेस वॉश जो भी यूज़ करते हैं उससे अपने फेस को अच्छे से वॉश कर ले। उसके बाद ये टमाटो जो मैंने लिया था उसको मैंने कट कर लिया है, ऐसे स्लाइस में कट कर लिया है। वॉश करने के बाद ये जो स्लाइस है इसको अच्छे से ड्रॉप करेंगे। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये मैं वन मंथ से कर रही हूँ और ये मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट हुआ है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप अपने घर में आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपके इधर डार्क सर्कल्स हो या कुछ भी मार्क्स हो, वहाँ पे आप अच्छे से आँखों के पास ऐसे अच्छे से लिप्स पे अच्छे से इसको करने के बाद 5 मिनट्स तक ड्राई होने दे, फिर वॉश कर ले। तो मैंने वॉश कर लिया फेस। ओके, अभी नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है ये टोमेटो जो बचा हुआ है उसको हम क्या करेंगे। ये टोमेटो का मैंने जो शुगर लिया था, अब हम स्क्रबिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। होल्ड करके अपने स्किन पे ऐसे रब करें। और हाँ, ये जो मैं प्रोसेस बता रही हूँ इस प्रोसेस को गर्ल्स बॉयज कोई भी यूज कर सकता है, बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस है। लास्ट 3-4 मिनट्स तक करें अच्छे से, और करने के बाद 5 मिनट्स इसको भी रहने दें, उसके बाद वॉश कर ले फेस। तो मैंने सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। अभी मैंने अपना फेस वॉश कर लिया। अब सेकंड स्टेप में ही इसका इफेक्ट देख सकते हैं कि कितना अच्छा है। अभी हमारा थर्ड स्टेप है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड स्टेप के लिए हम लोग सेम बाउल यूज़ करेंगे जो हमने होल्ड करके रखा था। तो ये जो है हमारा टमाटो है, इसमें से सारा जूस हम अच्छे से इसमें निकाल देते हैं अच्छे से। ओके, ये हमारा कटा हुआ था जिसे हमने शुगर डाल के स्क्रबिंग का किया था, उससे भी हम लोग सारा जूस, आप देख सकते हो जो भी जूस था सारा हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ओके, अगर आपके पास ज़्यादा डार्क सर्कल्स है आपके फेस पे तो आपको ये पूरा ही यूज़ हो जाएगा। एक्चुअली मैं यूज़ करती हूँ, एवरी वीक 2 टाइम्स अब मैं यूज़ करती हूँ, तो मुझे एक टमाटो में ही हो जाता है। अब हम लोग ले रहे हैं थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा ही है ये बेसन, इतना ले कि आपके फेस पे पूरा अच्छे से हो जाए। ओके, फिर हम लोग ले रहे हैं थोड़ा सा हनी। ये हनी घर का है तो इसलिए ब्लैक दिख रहा है, आप कोई भी यूज़ करते हैं कर सकते हैं। रामदेव बाबा का जो है हनी वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हनी जो मैंने ये पैक बनाया है इसमें ये मैं रोज़ वाटर भी यूज़ करती हूँ, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मैं ये थोड़ा इसमें यूज़ करती हूँ। ओके, बस इतना काफ़ी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर ले, मिक्स करके एक पेस्ट रेडी हो जाएगा। ओके,
उसके बाद हम लोग फेस पे अप्लाई करेंगे मिक्स करने के बाद। फ्रेंड्स तो ये है हमारा पेस्ट, इसको हम अप्लाई करते हैं। एक्चुअली मेरे पास ब्रश नहीं है तो मैं यही ब्रश यूज़ करती हूँ फेस के लिए भी। तो मत कीजिए लेकिन प्लीज़ 1 वीक यूज़ करके देखिए। 1 मंथ में तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट देगा कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, मैं इसको पर्सनली बहुत यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। मैं इसको पूरे फेस में अच्छे से लगाती हूँ। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ख़ास करके बॉयज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ नेचुरल है, इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ टिप्स है जिसको भी यूज़ कर सकते हैं। मान के चलिए अगर आप इतना कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप किचन में काम कर रहे हो, टमाटो कट किया उसको फेस पे अच्छे से स्क्रब कर लिया, खाना बनाते बनाते उसको रहने दो, वॉश कर लो फेस, इतना तो आप कर ही सकते हो, खुद ब खुद आपको इफ़ेक्ट दिखेगा। अगर उससे इफ़ेक्ट दिखा फिर आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, पर ये आप यूज़ करो, आपको डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप खुद मुझे कमेंट करके बोलोगे कि बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, तो ये मेरा ड्राई होगा, मिनिमम आई थिंक 10 to 15 मिनट्स लगेगा इसको ड्राई होने में। ड्राई होने के बाद इसको नॉर्मल वाटर से आप फेस को वॉश कर ले, वॉश करने के बाद मिलती हूँ। फ्रेंड्स तो अब आप मेरा फेस देख रहे हैं कितना डिफरेंस है पहले में और अभी में, तो आप प्लीज़ एक बार ये ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।